हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं रमन मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका परीक्षा प्लस पर। दोस्तों, आज जो हमारा पॉइंट है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान निर्माताओं ने हमारी संविधान को बनाने में जिन जिन तथ्यों को, जिन जिन नैतिक मूल्यों को समाहित किया, इनको आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों, एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि आज के एग्जाम में आज का जो पैटर्न पूछा जा रहा है, उसमें कुछ ऐसे बिंदु पूछे जा रहे हैं, नए नए तथ्य उठाए जा रहे हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं इस फीचर्स में मैं आपको खासकर एक पॉइंट की तरफ मोड़ना चाहूंगा आपका ध्यान, कि हम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रियल मतलब पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आज के जो सवाल उठाए जा रहे हैं ये सवाल संविधान की प्रकृति से बनाए जा रहे हैं, यानी अच्छे क्वेश्चंस इसमें आजकल समाहित किए जा रहे हैं। तो हम इसमें पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं उसको मैं बता दूं, यानी संविधान की प्रकृति। बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो पार्ट वाइज मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो किसी पार्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं, किसी पार्ट में शामिल नहीं है, उनको मैं यहां पर आपके सामने डिस्कस करूंगा। ऐसे तमाम आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे जो अभी तक वैसे के वैसे बरकरार हैं, लेकिन आज वो सारे पॉइंट्स मैं आपके यहां पर क्लियर करता चलूंगा। तो ध्यान से इनमें देखें, ये सारे फीचर्स में कई आपके दिमाग में ऐसे बने होते हैं कि अच्छा ये हमें मालूम है, लेकिन आज की जो नई एक तरीके से कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछने की जो लगातार अलग अलग आयोगों की एक नई हैबिट पाई गई है, तो उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर मैं आपके क्लियर करूंगा। संविधान की प्रकृति या विशेषताएं क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस पॉइंट्स को आप देख लें। पहले सबसे पहले तो मैं यहां पर आपसे डिस्कस करना शुरू करूंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहला फीचर जो आपका होगा वो आपके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। रिटन है और साथ ही साथ वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी विश्व का सबसे बड़ा संविधान। तो विश्व में कितने प्रकार के संविधान, किन किन देशों में कितने कैसे कैसे संविधान, ये सारी चीजें। दूसरी चीजें जो मैं आपसे यहां बात करूंगा वो मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में, मैं एक शब्द आजकल बहुत अच्छी तरीके से चर्चा में है, संघीय सर्वोच्चता, ठीक है, और इसी में भारतीय संसद की जो है स्थिति। इन दोनों पॉइंट्स को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल इससे सवाल बहुत अच्छे बन रहे हैं। भारतीय संसद की स्थिति, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत स्पष्ट रूप से, क्योंकि सवाल अच्छे यहां से बनेंगे। तीसरा पॉइंट मैं आपको यहां पर क्या बताने जा रहा हूं, आज सबसे ज्यादा एग्जाम में आप देखें तो सबसे जो अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनमें पूछता है संघीय एवं एकात्मक लक्षण क्या क्या है। एक क्वेश्चन दे देता है कि निम्नलिखित में से संविधान का एकात्मक लक्षण क्या है पहचानिए, या निम्नलिखित में से संविधान का एक संघीय रूप क्या है उसको पहचानिए। तो इस पॉइंट को हमें क्लियर करना है। चौथा मैं आपसे बात करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का पृथककरण, ये पॉइंट इसी से जरूरी। अब कैसे, अभी आप समझिएगा जब मैं इसका जो है थोड़ा सा व्याख्यान दूंगा। शक्तियों का पृथककरण, सबसे पहले लेकर विश्व में कौन आता है और उसके बाद कैसे कैसे भारत में लागू होता है, इन पॉइंट्स पर। अगली चीज मैं आपसे बात करूंगा सार्वभौम मत्स्य अधिकार पर, या मताधिकार, मत्स्य अधिकार नहीं, मताधिकार, नागरिकता, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। हालांकि जो पॉइंट्स मैं बाद में पढ़ाऊंगा उनको थोड़ा सा रखूंगा टॉपिक, लेकिन जिन पॉइंट्स पर हमें बाद में नहीं पढ़ने उनको थोड़ा सा व्यापक मैं करूंगा यहां पर। नागरिकता है, उसके बाद आपके मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, राज्यों के नीति निदेशक तत्व हैं, नीति निदेशक तत्व, उसके बाद आपका अगला अपने यहां पाई जाने वाली स्वतंत्र व्यवस्था, न्यायपालिका की व्यवस्था जो है, उसके बाद हम गणतांत्रिक राष्ट्र हैं, लोकतंत्र हमारे यहां है, मतलब बहुत सारे फीचर्स बनते हैं। हमारे यहां निर्वाचन आयोग है, हमारे यहां पर कुछ आपके स्वतंत्र आयोग हैं जो स्पष्ट रूप से कार्य करते हैं, बहुत सारे हैं। तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर अगर आपको संविधान की प्रकृति के बारे में लिखना है तो आप संक्षेप में उनको लिख सकते हैं। आपके पास लगभग 12 से 14 पॉइंट होते हैं जिन पर आप दो दो तीन तीन लाइनें स्पष्ट करते हुए चले जाएं। तो संघीय सर्वोच्चता आपको समझनी है, भारत की संसद की स्थिति, संघीय एवं एकात्मक लक्षण, आज इससे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं छोटे एग्जामों में, हालांकि वनडे के एग्जाम में भी इससे सवाल उठने लगे, तो यह समझना बहुत जरूरी है।
ये बहुत कंफ्यूजिंग मैटर है, शक्तियों का पृथक्करण। और एक पॉइंट इसी में आजकल एक नया शब्द यूज होता है जिसको आप बोलते हैं असम्मितीय संघवाद। ये पॉइंट थोड़ा सा, तो इस पॉइंट को भी हम थोड़ा सा जो है यहां पर क्लियर करेंगे। तो चलिए अब मैं एक एक पॉइंट आपके सामने उठा रहा हूं और उन पॉइंट्स पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। भारतीय संविधान की विशेषता या किसी भी संविधान की विशेषता संविधान में लिखित या वह एक तरीके से उल्लेखित ऐसे अस्पष्ट लक्षण हैं जिनका वह संविधान पर बहुत व्यापक जो है एक तरीके से छाप पड़ती है। यानी संविधान की अगर आपसे पूछा जाए कि विशेषता क्या है, संविधान की विशेषता किसी भी देश के संविधान की विशेषता उसमें लिखित वह विशिष्ट लक्षण है जो उस देश के मौलिक एक तरीके से मूल्यों को या तथ्यों को रूपांतरित करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। यह संविधान की विशेषता होती, विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ लिखा, ठीक है। अब मैं एक एक करके उठाता हूं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको लिखा था कि भारतीय जो संविधान है यह विश्व का सबसे लंबा संविधान है, लार्जेस्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। विश्व के सभी देशों के संविधान से अगर इसका हम एक तरीके से तुलना करें तो यह विश्व के सभी देशों के संविधान से सबसे बड़ा लंबा। देखो विश्व में दो तरीके के संविधान है, पहला संविधान होता है लिखित संविधान, दूसरा संविधान होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान यहां यानी जहां का संविधान लिखा हुआ है, और इसका उदाहरण है अमेरिका, ठीक है। दूसरा उदाहरण आपका भारत, भारत देश का भी संविधान लिखा हुआ है। अलिखित संविधान का सबसे बढ़िया उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के ही संविधान से हमने अपने यहां सरकार को लागू किया, यानी संसदीय जो हमारा मॉडल चलता है उसको हमने ब्रिटेन के संविधान से लागू किया। फिर भी ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित इसलिए माना जाता है क्योंकि अभी भी यहां पर जिन नए नियमों की जरूरत पड़ती है उनको संविधान में वैसे वैसे सीधा शामिल करते चले जाते हैं, इसलिए इसको कई संविधान वेत्ता अभी भी अलिखित संविधान के तौर पर मानते हैं। अमेरिका का संविधान लिखित है। अगर मैं बात करूं विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान को अपनाने वाला देश तो वह अमेरिका है। दूसरा पॉइंट यहां पर देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा आपका संविधान कौन सा है, किस देश का है, तो भारत का है। सबसे बड़ा संविधान भारत का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, ठीक है। सबसे छोटा संविधान विश्व का अमेरिका का है। यह सवाल पूछा है विश्व का सबसे छोटा संविधान क्यों, इसमें केवल 7 आपके अनुच्छेद शामिल हैं। अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद। वहीं अगर मैं कुछ और देशों को ये आपसे बात करूं तो अमेरिका विश्व का सबसे छोटा संविधान है, अमेरिकी संविधान। इसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर नजर डालें, ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है इसमें 128 अनुच्छेद हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर। इसके बाद आप चीन का संविधान देखेंगे तो इसमें 138 अनुच्छेद आते हैं। और उसके बाद जब आप कनाडा का संविधान देखेंगे तो कनाडा के संविधान में 147 आपके आर्टिकल शामिल हैं। तो कुछ देशों के साथ हमने देख लिया, वही भारत का आपका 395 अनुच्छेद। आज अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो लगभग आपके 466 या 467 अनुच्छेद अपने भारतीय संविधान में आ चुके हैं। 395 से स्टार्ट हुआ था यह सिलसिला और आज लगभग 467 अनुच्छेद के करीब अपने यहां जो है शामिल है भारतीय संविधान में। तो मैंने आपको बताया अमेरिकी संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान, क्वेश्चन आया है 7 अनुच्छेद केवल है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है, चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद हैं, वहीं कनाडा के संविधान में आपके 147 अनुच्छेद हैं। तो आप यह जान गए कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लिखित संविधान और अमेरिकी संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका में लागू हुआ था तो इसीलिए अमेरिका ने इसे अपनाया, तो हम भी जब अपना संविधान बनाने लगे तो हमने अमेरिका से यह प्रेरणा ली कि हम लिखित संविधान अपने यहां भी लागू करेंगे। तो यह तमाम बातें हो गई जिन पर हमने डिस्कस किया। उसके बाद अपने यहां एक बात मैंने आपको बोली कि वर्तमान कंडीशन में लगभग 468 के करीब अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में,
तो ये 468 के करीब जो अनुच्छेद हैं, इनको जैसे जैसे जोड़ा गया है, तो ऐसा नहीं कि मान लीजिए 21 ए जोड़ा गया, 23 ए जोड़ा गया तो उसको वहीं पर जोड़ दे, नहीं, उनको अल्फा न्यूमेरिकल वे में बाकायदा इनको जैसे जोड़ा गया है, यानी संविधान में इनको आने वाले अक्षरों के हिसाब से इनको बाकायदा जगह दी गई है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपका यह है कि भारतीय संविधान आखिर इतना लंबा संविधान है, एक सवाल इससे भी पूछा गया है, भारतीय संविधान विश्व का इतना लंबा संविधान है, तो लंबा संविधान बनने के पीछे रीजन क्या है, सबसे बड़ा संविधान बन गया आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन बहुत सारे आपके आते हैं, लेकिन मेन जो आपके मुख्य रीजन है जो परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूं। सबसे पहली बात, भारतीय संविधान के निर्माता जितने थे इन्होंने लगभग विश्व के 60 देशों के संविधान का आकलन किया, 60 देशों के संविधान का आकलन किया और उसके बाद वहां के संविधान की वो विशेषताएं जो जनमानस में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी उनको भारतीय संविधान में शामिल किया। 60 देशों के संविधान का इन्होंने अध्ययन किया और इस अध्ययन को करने के बाद फिर इन्होंने भारतीय संविधान में कुछ फीचर शामिल किए। दूसरी बात, अपने यहां भारतीय संविधान में जितने भी प्रशासनिक विवरण हैं इनको हमने 1935 का जो आपका भारत शासन अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के से सीधा सीधा हमने शामिल कर लिया। इस पर बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई थी, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लगभग हमने 250 के करीब, ठीक है, 250 के करीब अनुच्छेदों को सीधा सीधा प्रशासनिक संबंधी जिम्मेदारियों के लिए भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। तो पहला रीजन हो गया कि अपना संविधान क्यों इतना लंबा चौड़ा है, क्योंकि हमने विश्व के तमाम देशों के संविधान से वहां की जो जनमानस में फेमस बहुत सारी अच्छी विशेषताएं थी उनको हमने शामिल कर लिया। दूसरी चीज अगर हम देखें, अपने यहां शक्तियों का जो विभाजन है केंद्रीय एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का पृथक्करण जो हुआ, विभाजन हुआ, इसका यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्यों पृथक्करण राज्यों का, राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक अलग है हमारे केंद्र के और राज्य के, उसके बाद विधायी कार्य अलग किए गए, राजनीतिक कार्य अलग किए गए और एक तरीके से न्यायपालिका, तो दोनों में हालांकि संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था है, विधायी, राजनीतिक और कर संबंधी जितने मामले होते हैं इन सभी को अलग अलग किया गया। इनके लिए बाकायदा अपने यहां अनुसूचियां बनी हैं, उन अनुसूचियों में कौन किस पर कानून बनाएगा, कैसा रिलेशन होना चाहिए दोनों के मध्य, इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से शामिल किया गया है। तो संविधान के बड़ा होने में यह भी एक बहुत आपका जो है विशेष भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट हम देखें, आखिर और कौन से रीजन है, अपने यहां भारत राज्यों का संघ है तो राज्यों का अपना अलग संविधान है, राज्यों के संविधान जो है ये राज्यों के संविधान भारतीय संविधान में ही, भारत की जो केंद्र सरकार के संविधान के बारे में सारी चीजें हूं उसमें राज्य सरकारों के संविधान का भी पूरा उल्लेख है, राज्यों के संविधान का संपूर्ण उल्लेख, यानी राज्य में क्या कैसे प्रशासन व्यवस्था होगी, कौन हेड होगा, कौन सारी चीजें होंगी, तो संपूर्ण उल्लेख है। ये बहुत बड़ा रीजन है आपका, राज्यों के संविधान का संपूर्ण उल्लेख चूंकि इसी भारतीय संविधान में ही है, तो एक बहुत बड़ा आपका रीजन है कि इसकी वजह से भी आपका भारतीय संविधान बहुत ज्यादा हैवी बन गया है। उसके बाद हम अगला पॉइंट अगर इसमें देखें सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, तो आपके जितने आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं या अन्य जो पिछड़े क्षेत्र हैं, इनके लिए जो है विशेष बातें की गई हैं, क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध करने पड़े, उन क्षेत्रों में कैसे विकास होगा, वहां पर कैसे शासन चलेगा, इन तमाम चीजों के लिए भी विशेष उपबंध किए गए। तो चार एक ऐसे आपके फैक्टर रहे जो भारतीय संविधान के सबसे विस्तृत होने के पीछे बहुत अहम भूमिका जो है निभाते हैं। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उनके रीजंस क्या क्या रहे। दूसरी चीजें मैं आपको बताऊं, ठीक है, बहुत ध्यान से इन सारे पॉइंट्स को समझिएगा क्योंकि ये पॉइंट्स एक ऐसे सार है कि पूरे संविधान को आपको समझने में मदद मिलती है। संविधान आप
जो है अधिकतर आपके अंदर ये चीज रहती है, खुद से प्रश्न रहता है कि हम पढ़ते हैं भूल क्यों जाते हैं। देखिए ये भारतीय संविधान या ऐसे जो भी पॉइंट हैं इनमें वो नोन बिंदुओं को शामिल किया गया है जो आपके हर दिन की जिंदगी में शामिल है, इसीलिए इन सारे तथ्यों को बहुत अच्छे से आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप कभी भी भूलने की कंडीशन में नहीं रहेंगे। या ऐसे क्वेश्चंस दे दिया, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस के जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग ऑर्डर में सेट किए जाते हैं, तो वहां पर आपकी बेसिक्स अगर अच्छी हुई तो आप संविधान को जो है सही कर पाएंगे उनके क्वेश्चंस को, नहीं तो आप उनमें भी गलत करके चले आते हैं। तो वही चीज है, क्यों गलत होता है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं दे रहे। अगली चीज इसमें मैं बात करने जा रहा हूं जो दूसरे पॉइंट के तौर पर है, दूसरे पॉइंट के तौर पर मैं आपसे बताने जा रहा था कि हमारा संविधान जो भारतीय संविधान है ये नम्यता और अनम्यता के बीच में क्या क्या रीजंस हैं, इनके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। यानी नम्यता और अनम्यता के बीच समन्वय कैसा है, बीच समन्वय। अगर इस चीज को हम देखें, नम्यता यानी हमारे यहां संविधान इतना भी लचीला नहीं है, वो अनम्यता यानी लचीलापन, नम्य यानी ऐसी भी चीजें हमारे अंदर संविधान में नहीं है जिनको हम जब चाहे तब मोड़ दें, ठीक है, जब चाहे तब संशोधित कर लें। कुछ ऐसे भी हमारे यहां प्रावधान हैं, कुछ ऐसे भी हमारे यहां प्रस्ताव हैं, ऐसे विधेयक हैं जिनमें अगर संशोधन करना है तो सबसे पहले उस विधेयक को पेश होने से, राष्ट्रपति के समक्ष पेश होने से पहले कम से कम आधे से ज्यादा राज्यों का अनुसमर्थन जरूरी है, और ये अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है। दूसरी चीज, कुछ वहीं पर ऐसे भी संविधान संशोधन होते हैं जो सदन, प्रत्येक सदन में बहुमत अगर में सारे सदस्य उपस्थित हैं तो बहुमत में उपस्थित सदस्यों की संख्या और जो मत दे रहे उस पक्ष में उनके अगर दो तिहाई सदस्यों ने दे दिया वोट तो वो सामान्य समर्थन से ही पारित हो जाते। तो अपने यहां दोनों के बीच में एक ऐसा तालमेल है कि भारतीय संविधान बहुत ज्यादा लचीला भी नहीं है और भारतीय संविधान एक तरीके से कठोर स्थिति में भी है, यानी दोनों कंडीशंस अपने यहां बरकरार हैं। तो ये जो फीचर्स है, नम्य संविधान और अनम्य संविधान, इन दोनों में यानी जिसको हम मोड़ ना पाए, एक आपका लचीला है कि जब चाहे तब परिवर्तित कर ले, तो अपने यहां ऐसी कंडीशन दोनों की नहीं है। कुछ विधेयक बहुत आसानी से पारित हो जाते हैं, कुछ विधेयक को पारित करना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर होती है। तो यह भारतीय संविधान की विश्व के सभी संविधानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मानी जाती है। उसके बाद मैं अगला पॉइंट लेकर आपके सामने चलता हूं, जिस चीज की मैंने आपसे बात की थी, और वो पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, और वो पॉइंट आपका होता है क्या, इससे जस्ट अगला फीचर्स है, और वो फीचर्स मैं आपको एक स्पष्ट तौर पर अगर देखा जाए जो बार बार पॉइंट के रूप में आता है, वो ये है कि भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, आपका क्या है, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक ये कंट्री के तौर पर आता है। तो लोकतांत्रिक गणराज्य भारत की एक प्रकृति है, एक तरीके से हमारा जैसे कहते नहीं उसका नेचर अच्छा नहीं है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं, तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है ये लोकतांत्रिक गणराज्य है। यानी यहां पर यहां की जनता अपने ऊपर शासन चलाने के लिए निर्वाचन के माध्यम से प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि उन्हीं जनता पर शासन करते हैं। तो ये हमारा सिस्टम है लोकतंत्र का, डेमोक्रेटिक होने का। डेमोक्रेसी की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी कि जनता का जनता के द्वारा ही शासन क्या है, आपका लोकतंत्र है। गणराज्य, गणराज्य का अर्थ है कि हमारे देश का जो मुखिया है, ठीक है, भारत का मुखिया, हमारे देश का मुखिया क्या है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को भी हम एक फिक्स टाइम के लिए चुनते हैं, उसका भी निर्वाचन होता है, और निर्वाचन एक नियत समय के लिए, ये नहीं कि उसका पद एक तरीके से क्या हो गया, वंशानुगत हो गया, नहीं, उसका पद एक 5 साल के टर्म के लिए फिक्स होता है कि 5 साल तक प्रेसिडेंट आन चेयर होगा। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखनी है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, गणतंत्र का अर्थ क्या है, क्योंकि हम अपने आपको अपनी प्रस्तावना में भी इस चीज की घोषणा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य आपका स्पष्ट हो चुका है कि यह क्या है। उसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, अपने यहां सरकार का संसदीय रूप जो है इसको समझ लीजिए अच्छे से, सरकार का संसदीय रूप, ठीक है, क्योंकि पार्ट्स में तो मैंने सीधा सीधा बता दिया कि अच्छा सरकार का संसदीय रूप कहां से लिया गया। अब उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप ये जान ले, क्योंकि एक सवाल इससे पूछा था अभी कि वेस्टमिंस्टर प्रणाली क्या है,
एक सवाल आया था कि वेस्टमिंस्टर प्रणाली क्या है यूपीएससी में, तो ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है तो वहां क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। देखिए सरकार, हमारे भारत देश की जो सरकार है इसके संसदीय रूप को वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी बोलते हैं, वेस्टमिंस्टर प्रणाली। वेस्टमिंस्टर एक वो जगह है जहां पर ब्रिटेन की संसद है, ये लंदन में एक स्थित जगह है जहां पर ब्रिटेन की आपकी संसद है वेस्टमिंस्टर में, और वहां पर क्या होता है, वहां की संसद में जो जो रूप अपनाया गया भारत के सरकार को चलाने में भी वो रूप अपनाया गया, लेकिन ब्रिटेन की संसद और भारत की संसद में बहुत फर्क है। यही चीज मैं अगले आपके पॉइंट में, और वहां से सवाल भी अच्छे उठाए जाते हैं। तो वेस्टमिंस्टर आप जान गए, वेस्टमिंस्टर वो जगह है जहां पर ब्रिटेन की संसद स्थित है, ब्रिटेन की संसद से ही हमने संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में अपने शामिल की है, इसलिए भारत के संसदीय रूप को वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी बोलते हैं। भारत में जो है संवैधानिक प्रमुख, भारत में संवैधानिक प्रमुख यानी राष्ट्र का क्या है, अध्यक्ष राष्ट्रपति, लेकिन यह संवैधानिक प्रमुख नाम मात्र का है, उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, इसीलिए इस सरकार को, भारत में जो सरकार है इसको प्रधानमंत्रीय सरकार के तौर पर भी जाना जाता है। तो दो क्वेश्चन आपके स्पष्ट हो गए कि वेस्टमिंस्टर प्रणाली क्या है, दूसरा क्वेश्चन स्पष्ट हुआ कि प्रधानमंत्रीय सरकार क्या है, जिनमें क्योंकि आप पढ़ेंगे आपका आर्टिकल 74, उसमें साफ तौर पर लिखा है क्योंकि राष्ट्रपति की जो कार्यपालकीय शक्तियां होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, उसका इस्तेमाल वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, और वो अधीनस्थ अधिकारी मंत्रिपरिषद और कैबिनेट होती है। अब आगे बात मैंने बताया कि ब्रिटेन की संसद और भारतीय संसद में बहुत बड़ा अंतर है, इस पॉइंट को अब आप समझें अच्छे से, क्यों, क्योंकि यह बहुत जरूरी है आज के एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए एक पॉइंट मैं आपके सामने यह लिख रहा हूं, क्या संसदीय संप्रभुता, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संसदीय संप्रभुता आजकल जो है क्वेश्चन चल रहे हैं अच्छे खासे, और इसके साथ ही साथ भारत की जो संसद है, यौम भारत की संसद की स्थिति, संसद की स्थिति, दो पॉइंट को मैं यहां पर आपके सामने क्लियर करूंगा, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। आखिर जो है संसदीय सर्वोच्च जो संप्रभुता है या संसदीय सर्वोच्चता है, यह शब्द आया कहां से, ठीक है। देखो जो अपने यहां संसदीय सरकार है, संसदीय सरकार की व्यवस्था को ब्रिटेन से हमने लिया, लेकिन जो ब्रिटेन की संसद है वह संसद अपने आप में सर्वोच्च है, ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है, यानी वहां पर देखो भारत की जो संसद है या भारत में ब्रिटेन की जो संसद है, दोनों चीजों को समझिए। ब्रिटेन की संसद जो है, ब्रिटेन में विधि द्वारा नियत प्रक्रिया है, यानी कानून द्वारा जो फिक्स हो गया एक बार लिख दिया गया वही प्रक्रिया चलेगी, उसमें बदलाव नहीं हो सकता, विधि द्वारा नियत प्रक्रिया है। अपने यहां विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, भारतीय संविधान सारी चीजों की स्थापना करता है, संसद की स्थापना करता, न्यायपालिका की स्थापना करता, कार्यपालिका की स्थापना करता, अपने यहां विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, तो इसीलिए दोनों में इसका हमने क्या किया, स्थापना की है बाकायदा, इसको हमने शामिल किया, और संविधान ही हर एक व्यक्ति को पावर का निर्धारण करता है, संसद चाहे तो बड़े भाग में परिवर्तन कर दे, लेकिन न्यायपालिका को अगर अवैध लगता है तो वो उसके साथ ही साथ उसको क्या करेगी, नन जीरो भी घोषित कर देगी, ठीक है, जीरो एक तरीके से उस लॉ को घोषित कर सकती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में शामिल है, और विधि द्वारा नियत प्रक्रिया ब्रिटेन की संसद में शामिल है, तो ब्रिटेन की संसद ही संप्रभु है, अपने आप में सर्वोच्च है, ब्रिटेन की संपद जो है संसद सर्वोच्च है, और इसीलिए ब्रिटेन की जो है संसद को निरंकुश बोला जाता है, यानी इस पर किसी का भी वश नहीं है, किसी का नियंत्रण जिस पर ना हो उसको निरंकुश शासन कहते हैं। यहां पर निरंकुश शासन व्यवस्था है, किस मामले में, वहां की संसद के मामले में, अपने यहां निरंकुशता नहीं है, अपने यहां सब कुछ क्या है, संविधान की जद के अंतर्गत आता है। तो संसदीय सर्वोच्चता क्या हो गई, संसदीय सर्वोच्चता वह है जहां की संसद आपकी सबसे सर्वोच्च होती है, ठीक है, वहां की संसद सबसे सर्वोच्च होती है, उसको हम संसदीय सर्वोच्चता बोलते हैं। इसमें कौन सा देश आता है, इसमें ब्रिटेन की संसद का बहुत अहम रोल है। उसके बाद अब हम बात करें
इसमें भारत की संसद ब्रिटेन की संसद जैसी आपकी निरंकुश नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय संसद में या भारतीय संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से हर एक शक्तियों का जो है बंटवारा करता है, जबकि ब्रिटेन की संसद में विधि द्वारा नियत प्रक्रिया के हिसाब से वहां पर शक्तियों का एक तरीके से विभाजन है। शक्तियों का विभाजन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि संघीय जो ये आपकी संसदीय संप्रभुता है, इसमें एक वर्ड आपका और जुड़ता है, संघीय सर्वोच्चता। संघीय सर्वोच्चता का अर्थ होता है कि जहां पर शक्तियों का पृथककरण ना हो, जहां पर सरकार के दो स्तर ना हो, जहां पर शक्तियों का पृथककरण ना हो, यानी केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन ना हो, सर्वोसर्वा क्या है, केंद्र बैठा हो, दो स्तर की सरकार ही ना हो, तो विभाजन कहां से होगा? ठीक है, ये सब संघीय सर्वोच्चता के कानूनों के खिलाफ माने जाते हैं कि अगर कोई ऐसा राज्य है जहां दो सरकारें हैं तो वो संघीय राज्य नहीं है, अपने यहां वो व्यवस्था है। ठीक है, अपने यहां शक्तियों का विभाजन है, फिर भी भारतीय संविधान बहुत कुछ अपने आप में रखता है, उन पॉइंट्स को भी हम समझेंगे। तो संसदीय संप्रभुता समझ गए, भारत की संसद की स्थिति समझ गए। दूसरी चीज अब हम बात करने जा रहे हैं, संसदीय सर्वोच्चता संप्रभुता की एक डेफिनेशन आप या संसदीय सर्वोच्चता की यह भी दे सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा विधायी प्राधिकरण संसद को सर्वोच्चता हासिल होती है, यानी विधियों से संबंधित जितने भी कानून बनाने हैं उनमें संसद सर्वोच्च हो, ऐसी व्यवस्था को हम संघीय सर्वोच्चता या संसदीय संप्रभुता कहते हैं। ये एक लाइन की डेफिनेशन आपकी हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए आपसे कि आपका जो है संघीय एक तरीके से सर्वोच्चता का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस देश के संविधान में दिखाई देने को मिलता है, तो ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान की स्थिति अगर मैं बात करूं, भारत की संसद की स्थिति, भारत की संसद जो है, भारत की संसद पर भाई प्रतिबंध है, क्योंकि यहां पर हमारे यहां संविधान सभी को पावर देता है। ठीक है, संविधान अपने यहां संसद को कानून बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि वो राज्य सूची के हर विषय पर अगर राज्य में सरकार बैठी है तो वो कानून बनाएगी ना, अपने यहां संसद केवल उन्हीं सूचियों पर जो है उन्हीं मुद्दों पर कानून बना सकती है जो मुद्दे उसके समवर्ती सूची में शामिल है, यानी समवर्ती सूची में शामिल किए गए सारे मुद्दे जो भारतीय संविधान के होते हैं उन पर वो क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। और एक बात और, एक तो समवर्ती सूची पर और दूसरा एक आपकी है संघ सूची, यानी संघ सूची और समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर भारतीय संसद आपकी कानून बनाती है। तो यह भारतीय संसद की एक तरीके से क्या हो गए, अधिकार हो गए, अधिकारों का लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि आप जो कुछ चाहे वो कर दें। तो ब्रिटेन से हमारी संसद बहुत बेहतरीन तरीके से अलग है। उसके बाद अब एक पॉइंट दो पॉइंट और हम देखते हैं फीचर्स में क्या क्या है, उन पर मैं आपसे बात करता हूं। अगला इसका जो पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के लिए, बहुत गौर से इसको पढ़िए, वो पॉइंट है संघीय एवं एकात्मक विशेषताएं। संघीय एवं एकात्मक विशेषताएं, ठीक है। अब इसमें ये जो विशेषता आजकल लक्षण आपसे एक क्वेश्चन दे देगा और उस क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का संघात्मक लक्षण है, या एक क्वेश्चन ऐसा बना देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है, तो इसको पहचानना अपने आप में थोड़ा सा चुनौती है। तो मैं दोनों को स्पष्ट कर रहा हूं कि संघीय आपके लक्षण कौन कौन से है भारतीय संविधान में पाए जाते हैं, संघीय लक्षण, और दूसरी चीजें एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं एकात्मक लक्षण, एकात्मक लक्षण। अब संघीय लक्षण की अगर मैं आपसे बात करूं कि भारतीय संविधान में संघीय लक्षण कौन कौन से पाए जाते हैं, तो एक एक करके मैं लिख रहा हूं। सबसे पहली चीज, सरकार के दो स्तर, सरकार के दो स्तरों का होना, यानी अपने यहां केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, तो सरकार के दो स्तरों का होना यह क्या है, संघीय लक्षण के अंतर्गत विद्यमान है। दूसरी चीजें वहीं मैं बात करूं, एक आपका शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का पृथक्करण,
केंद्रीय एवं राज्य के विधायी राजनीतिक इन सब कार्यों के लिए अलग बाकायदा शक्तियों का निर्धारण किया गया है, फिक्स किया गया कि आपकी लिमिटेशन इतनी होगी। दूसरी चीज अगर मतलब तीसरा पॉइंट इसमें देखें तो वो तीसरा पॉइंट ये है कि संघीय व्यवस्था का सबसे एक और स्पष्ट उदाहरण आपका होता है कि जिस देश का संविधान लिखित है, लिखित संविधान